फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चारों तरफ पानी ही पानी, फसलें बर्बाद, रास्ते बंद, सड़कें गायब, नदी किनारे पानी से घिरे गांव और घर। कुछ ऐसा ही नजर आया राजस्थान जब दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने प्रदेश की स्थिति से रूबरू होने पहुंचे। गुजरात और दिल्ली के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आखिरकार अपने प्रदेश की याद आ ही गई। बुधवार रात जयपुर से लौटने के बाद आज सीएम अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले। राजस्थान में इस बार बारिश से बिगड़े हालात को कहीं विपक्ष मुद्दा ना बना दे, इसलिए सरकार अब इस मामले पर गंभीर नजर आ रही है। इसी के तहत आज सीएम अशोक गहलोत कोटा, बूंदी समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले। चलिए अब जान लीजिए कैसा रहा मुख्यमंत्री का आज का दौरा। आज सुबह सीएम गहलोत जयपुर से बूंदी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम करीब 12 बजे कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना भी उनके साथ मौजूद रहे। दोपहर के बाद सीएम गहलोत बारां और झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पानी में डूब चुके इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इलाके के लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। बता दें कि दौरे से लौटने के बाद सीएम अशोक गहलोत झालावाड़ सर्किट हाउस पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। साथ ही सीएम ने वहां आम लोगों से भी मुलाकात की और हालात का फीडबैक लिया। दौरे के बाद देर शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जहां प्रशासन को बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए, तो वहीं बारिश और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर मदद देने का भी आदेश दिया। मालूम हो कि इस साल बारिश ने पूरे राजस्थान में हालात खराब कर दिए हैं, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के कई जिले मानो टापू में तब्दील हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।